तो अभी जो आपने पैकिंग देखी इससे तो आपको आइडिया लग गया होगा कि मैं जा रहा हूँ अपनी किसी नई ट्रिप पे। तो अभी तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ इंदौर से दिल्ली, दिल्ली से मुझे कोई मिलने वाला है, उसके बाद जो मेरी ट्रिप स्टार्ट होगी कहाँ होगी मैं आपको वहाँ पहुँच के बताता हूँ। तो अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो लाइक एंड शेयर कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आगे की अपडेट मिलती रहे। तो मैं चलता हूँ रेलवे स्टेशन की तरफ, फिर दिल्ली पहुँचूंगा, वहाँ पर मुझे कोई मिलने वाला है, मैं उससे आपको मिलाता हूँ एंड फिर वहाँ से हम लोग चलते हैं अपनी ट्रिप की तरफ। वहीं पहुँचूँ मैं आपको अपनी जगह का नाम बताऊँगा कि मेरी अगली जगह कौन सी है जहाँ मैं जा रहा हूँ। तो मिलते हैं दिल्ली में। तो सुबह के 6:30 हो रहे हैं और मैं दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंच चुका हूं। तो टाइटल देख के तो आपको पता चल गया होगा कि मैं कहां जा रहा हूं। तो मैं जा रहा हूं सिक्किम, लेकिन सिक्किम जाने के लिए मुझे पहुंचना होगा सबसे पहले बागडोगरा एयरपोर्ट। तो मेरी फ़्लाइट है दिल्ली एयरपोर्ट से 10 बजे करीब, तो अभी चलते हैं दिल्ली एयरपोर्ट। बाकी बातें मैं आपसे एयरपोर्ट या फिर बागडोगरा पहुँच के ही बात करूँगा। बागडोगरा जो है पश्चिम बंगाल में आता है, वहाँ से 100 किलोमीटर पड़ता है गैंगटॉक। तो अभी बागडोगरा पहुँचते हैं, पहले तो दिल्ली एयरपोर्ट जाता हूँ और वहाँ पे जाके मेरी 10:50 पर फ्लाइट है। अभी 6:30 हो रहे तो 1 घंटा मुझे लगेगा जाने में, और दिल्ली जो मेट्रो है वहाँ से एयरपोर्ट लाइन चलती है, तो एयरपोर्ट लाइन पकड़ के ही मैं पहुँचता हूँ सीधे अपने एयरपोर्ट, और वहीं पे मैं आपसे डायरेक्ट मिलता हूँ। लगभग 7:05 हो रहे हैं और 30 मिनट से 35 मिनट लगे न्यू दिल्ली स्टेशन से एयरपोर्ट आने पे T3, और यहाँ से अभी मेरी फ़्लाइट है तो उससे हम लोग जाएंगे बागडोगरा, और यहीं पे मेरा एक फ्रेंड भी मुझे ज्वाइन करने वाला है। तो मैं मिलता हूँ आपसे बागडोगरा और वहीं पे मैं आपको अपने फ्रेंड से भी मिलाता हूँ और फिर घूमते हैं सिक्किम। तो चलिए अब मैं आपसे डायरेक्ट मिलूँगा बागडोगरा, तो वहीं चलते हैं। बज रहे हैं, 2:30 हो रहे हैं और अभी हम लोग बागडोगरा एयरपोर्ट पे पहुंच चुके हैं, और मेरे साथ है कविश जो मेरा फ्रेंड है जिसको मैंने बताया था कि ये मुझे ज्वाइन करेगा। तो बागडोगरा एयरपोर्ट पे अभी प्रॉब्लम ये है कि यहाँ से शेयर टैक्सी गैंगटॉक की नहीं मिल रही है, सिलीगुड़ी जाना पड़ेगा, और प्राइवेट टैक्सी के 4,000 से 4,500 रुपये बता रहे हैं। तो अभी हम लोग डिसाइड कर रहे हैं कैसे जाना है, फिर मैं आपको भी अपडेट देता हूँ। स्पाइस जेट थी एयरलाइंस, तो उससे थोड़ा सा डिले हो गया है, बाकी अभी देखते हैं गैंगटॉक कब तक पहुंचते हैं, और शेयर टैक्सी का आप जो भी होता है मैं आपको बताता हूं। तो बने रहिए मेरे साथ। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। तो अभी हम लोगों ने यहां से शेयर कैब हायर कर ली है जो कि 4,500 रुपये की पड़ी है डायरेक्ट गैंगटॉक में, जो हमारा होटल है वहाँ तक की। और मौसम थोड़ा सा गर्म है यहाँ पर, तो चलते हैं गैंगटॉक और मैं आपको मिलता हूँ वहीं पे। बाकी रास्ते में अगर कुछ खूबसूरत नज़ारे दिखे, रोड की कंडीशन, वो मैं सब आपको बताते रहूँ। बागडोगरा जो है पश्चिम बंगाल में आता है और यहाँ पे बंगाली भाषा बोली जाती है,
तो उससे आपको खैर कोई प्रॉब्लम नहीं आनी है क्योंकि यहाँ पे लोग हिंदी बोलते हैं, समझते हैं। बागडोगरा से जो गैंगटोक है वो 120 से 25 किलोमीटर है और आपको 5 से 6 घंटे लग जाते हैं जाने में। रोड की कंडीशन अभी मैं आपको आगे बता दूंगा कि रोड की कंडीशन कैसी है। और अगर आप बागडोगरा एयरपोर्ट आ रहे हैं और आपको शेयर्ड कैब चाहिए तो आप सिलीगुड़ी आ सकते हैं, जो कि वहाँ से 15 से 16 किलोमीटर है और आपको वहाँ से शेयर्ड कैब मिल जाती है और आप शेयर्ड कैब के थ्रू भी गैंगटोक जा सकते हैं। अगर आप प्राइवेट कार बुक करना चाहते हैं तो मैं आपको कॉन्टैक्ट नंबर अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उनको बुक डायरेक्ट कॉल करके बुक कर सकते हैं। या फिर आप बागडोगरा एयरपोर्ट से बाहर आएंगे तो आपको डायरेक्ट गैंगटोक की भी जो कैब सर्विस है वो मिल जाती है, सिलीगुड़ी की भी मिल जाती है। तो मेरे पीछे आप लोग देख रहे होंगे लड्डू गोपाल रेस्टोरेंट, यहाँ पे हम लोग रुके हुए हैं अभी लंच करने के लिए। तो यहाँ पे अभी मैं लंच करता हूँ, फिर आपको बताता हूँ यहाँ का खाना कैसा था। तो अगर आप कभी इस रास्ते से जा रहे हो तो आप लोग भी यहाँ पे लंच वगैरह करने के लिए रुक सकते हैं। तो मैं आपको मिलता हूँ थोड़ी देर में लंच करके और फिर आपको बताता हूँ यहाँ का रिव्यू। खाने में अभी हमने 2 थाली ऑर्डर की है जो कि 210 रुपये की है, एक जैन थाली है और एक नॉर्मल वेज थाली है। तो आपको यहाँ पे मिल जाती है, साफ़ सुथरा है। तो मैं खा के बताता हूँ कि टेस्ट कैसा है और मिलता हूँ मैं आपसे बाहर पूरा ख़त्म करने के बाद। तो अभी हमने लड्डू गोपाल में खाना खाया जिसका खाना बहुत अच्छा था, बहुत टेस्टी था, प्राइस भी रिजनेबल था। तो अगर आप जा रहे हैं यहाँ से तो यहाँ पर आप खाना खा सकते हैं, लंच डिनर जो भी चाहें। मिठाइयाँ भी है यहाँ पे और सबसे बड़ी बात है यहाँ पे आपको जैन थाली मिल जाती है। अगर आप नवरात्रि के समय या किसी त्यौहार के समय आ रहे हैं और आपको आपको अपना फास्ट तोड़ना है तो जैन थाली वगैरह ट्राई कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा रेस्टोरेंट था, तो मुझे तो मतलब बहुत अच्छा लगा, तो आप भी यहाँ पर ट्राई कर सकते हैं। तो आप चलते हैं गैंगटोक की तरफ क्योंकि टाइम की कमी है और हमें वहाँ जल्दी पहुँचना है, नहीं तो रात हो जाएगी, पहाड़ी एरिया है। तो चलते हैं गैंगटोक, अब मैं आपसे वहीं पर मिलूँगा डायरेक्ट और वहाँ पर बाकी चीज़ें बताता हूँ। और एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया कि हम लोग जो अभी यहाँ पे आए हैं पश्चिम बंगाल में बागडोगरा साइड, तो पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा बहुत अच्छे से मनाई जाती है और ये जो अभी टाइम चल रहा है वो दुर्गा पूजा का चल रहा है। तो यहाँ पे थोड़े से रेट्स हाई हैं क्योंकि इस समय यहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं घूमने के लिए, दुर्गा पूजा देखने के लिए, और उसके बाद वो लोग सिक्किम भी जाते हैं। तो अगर आप इस टाइम पर आते हो थोड़े से आपको रेट थोड़े हाई मिलेंगे टैक्सी के। अभी 8:15 हो रहे हैं और हम लोग पहुंच चुके हैं गैंगटोक और यहाँ पे हमने एक होटल लिया है जो कि मेन रोड पे है। होटल बहुत अच्छा तो नहीं कहूँगा लेकिन ठीक ठीक है, अच्छा होटल है प्राइस रेंज के हिसाब से। होटल की जो भी डिटेल है मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा वीडियो के, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। मेन रोड पे होटल है, साफ़ सफाई है, काफ़ी साफ़ सफाई है, स्टाफ बहुत अच्छा है, गीज़र है, टीवी है, हर चीज़ यहाँ पर आपको मिल जाती है। और बस यहाँ पे फ़ैन नहीं है और एसी नहीं है, तो मैंने स्टाफ से बातचीत की तो उन्होंने बताया कि टेम्परेचर नॉर्मल रहता है तो इतना कुछ इशू आना नहीं है। बाकी रूम अच्छा है, साफ़ सुथरा है काफ़ी, बेड वगैरह सब सैनिटाइज वगैरह है, हर जगह लेबल वगैरह लगा रखे हैं इसकी, सैनिटाइज है। वॉशरूम भी काफ़ी साफ़ सुथरा है, गीज़र अवेलेबल है, अलमीरा है और यहाँ पे आपको टी बैग वगैरह भी मिल जाते हैं। तो काफ़ी अच्छा होटल है, तो अगर आप गैंगटोक आ रहे हैं तो आप ये होटल बुक कर सकते हैं। इस होटल की डिटेल मैं आपको अपने इसमें डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। दूसरी चीज़, अगर आप वहाँ से बागडोगरा से अगर आप यहाँ आते हैं गैंगटोक, तो रोड की कंडीशन बिल्कुल अच्छी नहीं है, रोड इतनी खास नहीं लगी मुझे, मतलब अच्छी है नहीं, हर जगह कंस्ट्रक्शन चल रहा है, कहीं टूटी फूटी रोड है तो थोड़ा सा वो माहौल ख़राब कर देती है। लेकिन जब आप गैंगटोक पहुँच जाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है आपको, इन्वायरमेंट वगैरह बहुत ही फ्रेश एयर है यहाँ पे। और उसके बाद नेटवर्क का मैं आपको बता दूँ तो पूरे रास्ते मुझे नेटवर्क वोडाफोन आइडिया का नहीं मिला, कहीं कहीं मिल रहा था, जियो का नेटवर्क भी कहीं कहीं था, BSNL बिल्कुल भी नहीं था। लेकिन गैंगटोक में अभी मैं हूँ तो BSNL का भी नेटवर्क है, जियो का भी नेटवर्क है, वोडाफोन आइडिया का भी नेटवर्क है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। और इस होटल में वाईफाई भी अवेलेबल है तो मैं चाहूँ तो इंटरनेट भी यूज़ कर सकता हूँ। तो अभी हम लोग नाइट में निकले हैं थोड़ा मार्केट देखने के लिए और थोड़ा कुछ खाना था उसके लिए। रात को भी अगर आप सिक्किम घूमते हैं गैंगटोक में, गैंगटोक के गलियों में, तो सेफ़ है,
गर्ल्स के साथ भी या किसी के साथ भी सेफ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। लोग घूम रहे हैं, मार्केट चालू है, कोई इशू मुझे दिख नहीं रहा है। तो आप यहाँ पे आ रहे हैं तो आपको सेफ्टी को लेके कोई इशू नहीं है। आप देख सकते हो मेन मार्केट में यहाँ पे माँ दुर्गा की जो मूर्ति है उनको स्थापित किया गया है, स्थापना हुई है उनकी। और यहाँ पे सेफ्टी का कोई इशू नहीं है, तो आप यहाँ पे कभी भी आ सकते हैं। रात के 10-11 बजे तक मार्केट चालू रहता है। तो 9:30-10 बज रहे हैं, सब बंद हो चुका है। लोग बता रहे कि 11 बजे तक खुला रहता है, बट अभी कोविड के कारण रिस्ट्रिक्शंस हैं तो जल्दी दुकानें बंद हो जाती हैं। तो अभी 9:30 ही हो रहे हैं, 10 भी नहीं बजे हैं, तो हम लोग वापस होटल जा रहे हैं। तो वहीं से कुछ ऑर्डर करेंगे, वहीं पे कुछ खाएंगे। बाकी अभी बहुत थकावट हो गई है, तो मैं आपसे कल सुबह ही बात करूंगा और कल सुबह ही आगे की डिटेल बताऊंगा। तो मैं आपसे मिलता हूं कल सुबह, अभी बहुत तेज़ नींद आ रही है, तो मैं आपसे कल सुबह मिलता हूं।